बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप में से यानी जो न्यूज़ सामने आई है वो आपको दिखाना चाहूँगा मैं। 27 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जी, और ये इनमें से कितने पाकिस्तानी हैं ये भी आपको बता देता हूँ मैं, बांग्लादेशी एंड इंडियन वगैरह। तो बात ये है जी, अगर आप में से कोई भी बंदा इस साल हज करने की सोच रहा है, चोरी से हज जिसे बोलते हैं, जैसा कि पहले आदमी चोरी से मुराद यही होता था, सिंपल लफाज में हम चोरी से बोल लेते हैं, लेकिन ये यही होता है कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं या वो खुद से भाई बोलते हैं कि हम इतनी महंगी परमिशन कैसे लें, तस्री कैसे बनाएं, तो वो चोरी से हज कर लेते थे। तो ऐसा जो इस साल की सामने अभी तक न्यूज़ आ रही है, अभी ये सामने आ चुका है, ये सऊदी मरूर की तरफ से बकायदा ये खबर वायरल की गई, यानी कि ये न्यूज़ छाया की गई है। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं इसके मतलब जो जुर्माना वगैरह है वो आपको पहले क्लियर कर दूँ। मैं खुद से एक बंदे को जानता हूँ और वो हज के लिए गया जी, मक्का में मुकीम थे, मक्का में दो आदमी थे, मक्का से निकले, यानी कि मक्का शौकिया में रहाइश थी बकायदा, और शौकिया से निकले जी हज के लिए जाने के लिए, तो रास्ते में पकड़ा गया जी एक, और एक निकल गया। मक्का के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, जो पकड़ा गया उसका भाई उसके ऊपर 10,000 रियाल का फाइन किया उन लोगों ने, और उसका इकामा भी, यानी कि जब उसका इकामा एक्सपायर हुआ, इकामा उसका चलता रहा, अच्छा जब पकड़ा उसको जद्दा में भेज दिया था वहाँ से उन लोगों ने, तो पकड़ा गया उस टाइम, उसके बाद जब उसका इकामा एक्सपायर हुआ, इकामा रीन्यू करने लगे, तो इकामा रीन्यू तजदीद यानी कि उसका नहीं हुआ, 10,000 रियाल का फाइन भी उसके ऊपर है और उसका इकामा भी तजदीद नहीं हुआ और ना ही अभी तक हुआ है। तो बहरहाल अभी 1.5 साल हो गया है, मेरा उसका रब्ता नहीं है, लेकिन पहले रब्ता रखा और वो बंदा ऐसे ही भाई घूम रहा है, तो ये बोलता वो फाइन मुझे देना ही पड़ेगा। तो बहरहाल ये तो हो गया जी, आपको ग्रामे के मुतालिक पता चल चुका है। अभी मैं आपको बता देता हूँ इस न्यूज़ के मुतालिक, 27 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, और यहाँ पर आप देख रखे होंगे ये लिस्ट इनकी। मैं आपको पहले तो ये लिस्ट आप देख रखे हैं, ये लिस्ट पढ़कर सुना देता हूँ, साथ में आपकी पिक्चर भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये कर क्या रखे थे अवाम के साथ, ऐसे धोखेबाजों से भी महफूज रखिएगा, ये भी आपको बता देता हूँ मैं। जिनमें 11 दिल्ली जिंसिया मिस्रिया जी, और 10 बंदे हैं जिंसिया सूर्या, और 2 बंदे हैं जिंसिया पाकिस्तानिया, यानी कि 2 बंदे पाकिस्तानी भी हैं इनमें, और यानी कि अगर किसी से उर्दू वगैरह में बात पंजाबी वगैरह में करनी हो तो उससे बातचीत करते थे। सूडानिया 2 बंदे जिंसिया सूडानिया, 2 बंदे यमनी और बांग्लादेशी, यानी कि एक यमनी होगा और एक बांग्लादेशी होगा। तो बात यह है जी कि ये वो बंदे हैं जो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से एक रॉन्ग किस्म की आपको परमिशन बनाकर देने की आपके साथ डील करते हैं, जो कि 10,000 लास्ट पैक एक 9,000 कुछ का है हज का, वो आपको 2,000 रियाल में बोलेंगे हम बनाकर दे देते हैं, और ये परमिशन लोगों को कैसे बनाकर दे रखे थे, लोगों को मिसगाइड कर रखे थे अगर सीधे अल्फाज में बोले तो, या यही बोल रहे हैं कि सिंपल अल्फाज में कि आप हमें 2,000 दे, आपको हज यानी कि मक्का तक पहुँचाना हमारा काम है। तो ऐसे निकालों से होशियार रखिएगा, ये इस वक्त सऊदीया में ये ट्रेंड चला हुआ है अभी, क्योंकि आपको पता है जी अभी मक्का के अंदर भी कुछ ऐसे आलात नस्ब कर दिए गए हैं कि उनसे भी आपकी पकड़ होगी अगर आपके पास परमिशन नहीं हो।